हैं, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? तुम्हारी आंखों से जो ये आंसू बह रहे हैं ना, इनमें मुझे मेरा चेहरा नहीं, शक्ल रॉकी की दिखाई दे रही है। तुम भी मुझसे शादी करना चाहती थी ना एपी, मेरे साथ रहना चाहती थी, तो तुमने मुझे खुद चुना है ना, तो तुम्हारे चेहरे पर मेरे लिए प्यार की जगह रॉकी के लिए दर्द क्यों दिखाई दे रहा है? क्या करूं? मैं उसे फोन करूंगा और उसे बताऊंगा कि इस पूरे संसार में उसे इतना कोई प्यार नहीं कर सकता जितना प्यार मैं करता हूं उससे। उसे कह दूंगा कि तुझे आज अभी उस आदमी का घर छोड़ना होगा। मेरे लिए परेशान हो जाएगी, आंसू बहाएगी, दर्द लेगी। फिर क्यों किया तूने हैप्पी ऐसा? तूने क्यों किया अरविंद से शादी हैप्पी? क्यों छोड़कर चली गई मेरे को तू? पता, मैं क्या करूंगा तेरे बिना? क्या करूंगा हैप्पी? बोल हैप्पी, क्या करूंगा मैं? हैप्पी, हैप्पी कहाँ हो तुम? The number you are trying to call is currently not reachable. Happy! The number you are trying to call is currently not reachable. Happy! जान सकता हूं मैं आधी रात को मेरी बीवी दबे पांव कहां से आ रही है? जवाब तो है भी, मैं घर में नहीं था इस बात का फायदा उठाकर। किससे मिलने गई थी तुम? बोलो। अभी मुझे दर्द हो रहा है, अभी क्या करें? अभी आज हमारी शादी हुई और अभी किस तरीके से मेरे साथ पेश आ रहे हैं आरफी? तुम्हें याद है हमारी शादी आज हुई है? तुमने मुझसे शादी की है? तो फिर आंसू रॉकी के लिए क्यों बहा रही थी? मेरे प्यार के बदले
तुमने वेडिंग नाइट पर मुझे ये गिफ्ट दिया है। मेरे प्यार की कोई कदर ही नहीं है। नॉट फेयर हैप्पी। प्यार और जंग में सब जायज है आरफी, और फिर ये तो जंग है। मेरे पहले वार ने बिल्कुल सही जगह चोट करी, और भी अभी तो सिर्फ बिगुल बचा। आगे आगे देखो क्या होता है। कल रात को पता नहीं मुझे क्या हो गया था। I'm really sorry, happy. अभी उठा तो सर घूम रहा था जोर से। तुम्हें ढूंढते हुए बाहर आया, तुम्हें देखा तो कल रात की याद आ गई। happy, ये सब उस रॉकी की गलती है। जब भी उसे देखता हूं ना तो मेरा खून खौल जाता है। आज फिर से happy, आज हमारी फर्स्ट वेडिंग नाइट थी, और तुम्हें मेरी वजह से इस काउच पे सोना पड़ा। बहुत बड़ी गलती हो गई हैप्पी मुझसे, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम जानती हो मुझे, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ हैप्पी। मैं तुम्हें ऐसे हैप्पी, तुम ऐसे मुझसे डर के सिमट रही हो। नहीं यार, मैं ये सब नहीं चाहता हूँ हैप्पी। इट्स ओके आरवी, कल रात जो हुआ आप उसे भूल जाइए, कोई बात नहीं। मैं दवाई लेके आता हूँ। मैं सब छोटी सी चोट है आरवी, दवाई की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें सिर्फ प्यार देना चाहता हूँ हैप्पी, दर्द नहीं। Really sorry. जो दर्द तुमने मुझे दिया है ना आरवी, उसके सामने कुछ भी नहीं है। हैप्पी, तुमने सच में मुझे माफ कर दिया? तुम्हें मुझ पर गुस्सा नहीं आ रहा? आरवी, जो कुछ भी हुआ ना उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। हमारी शादी इतनी जल्दबाजी में हुई ना, तो शायद ये होना था, पर अब जो होना था सो हो गया, खत्म। अब हम दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना आरवी? अब सब ठीक होगा ना? Of course, हैप्पी। हैप्पी, मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां देना चाहता हूँ, और मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मैं आज ही तुम्हें कहीं कहीं बाहर लेकर जाऊंगा, जहाँ तुम अपने आप को पैम्पर कर सको लाइक अ क्वीन। तुम किसी क्वीन से कम नहीं हो हैप्पी मेरे लिए। मैं भी है। चोट पहुंचाने के अलावा वो कुछ कर भी नहीं सकता है हैप्पी। छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। अंकल, हम उसे छोड़ेंगे तो नहीं, पर ये राइट टाइम नहीं है। और अंकल, हमें कहीं ना कहीं अंदाजा था ना कि जो हम करने जा रहे हैं उसमें ये सब तो होगा ही,
हाँ बेटा, लेकिन जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है ये। मैं से उसे तुम्हें चोट पहुंचाने नहीं दे सकता हूँ बेटा। मैं ऐसे देखता हूँ ना तो अनाया की याद आती है बेटा। और आर्मी ने अनाया के साथ जो कुछ भी किया ना, वो सोचकर बहुत तकलीफ होती। गुस्सा आता है, प्यार किया था मेरी बेटी ने उस हैवान के साथ। बस अंकल, अंकल इसी गुस्से और तकलीफ को हमें अपनी हिम्मत बनाना है। वो कहते हैं ना कि आपके कर्मों का फल आपको यही मिलेगा। जो आपने किया है उसका हिसाब आपको यही चुट्टा करना है, और आरवी का हिसाब हम यही उससे चुट्टा करवाएंगे। उसको सजा दिलवा के, उसे अनाया के मर्डर की सजा दिलवानी है, मेरी फैमिली को सेव करना है उससे, और रॉकी की जान भी बचानी है मुझे हमेशा के लिए उस आरवी से। हाँ हैप्पी, इस सब के लिए तो मैंने तुम्हें रिस्क लेने दिया बेटा, लेकिन एक वादा कर, पर कभी भी तुम किसी तकलीफ में होगी, बात हाथ से बाहर निकल जाए तो तुम मुझे फौरन इन्फॉर्म करो। अच्छा बेटा, अब बताओ आगे का प्लान क्या है? पता नहीं रात में कब आया, अभी तक कमरे से बाहर भी नहीं निकला है। अरे क्या हुआ, ये चोट कैसे लगी तुझे, बोलना। ऐ क्या होया? मौसी, आपका बेटा कुड़ के जल के राख हो जाए और आप खुश रहो। चलो कोई तो खुश है, मैं दुखी हूँ क्या फर्क पड़ता है, आप तो खुश हो ना, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। इसमें मेरी क्या गलती है? आरवी से शादी करने का फैसला हैप्पी का था, मेरा नहीं था पुत्र, और अब वो शादी करके खुश है तो फिर तू अपना दिल क्यों दुखा रहा है? ओए रॉकी, हैप्पी ने जो तेरे साथ किया उसका दोष अपनी माँ के मत्थे क्यों मार रहा है तू? आप लोग है ना, मुझे पिन मारना बंद करो। मेरी ज़बान कड़वी हो रखी है, कुछ बोल बाल दूंगा गुस्से में तो बर्दाश्त नहीं कर पाओगे आप। सुना बीजी, सुना कैसी बातें कर रहे हैं मुझसे? चली गई वो लड़की, अभी भी उसी की फिक्र कर रहा है। और जो माँ यहाँ परेशान है उसकी कोई फिक्र नहीं है तुझे? मम्मी प्लीज एहसान करो और चुप हो जाओ। देखा ना भाई कितने परेशान है, फिर भी सुबह सुबह शुरू हो जाती हो आप। भाई ये चोट कैसे लगी? अरे वही तो पूछ रही हूँ, मुझे फिकर है इसलिए पूछ रही हूँ ना। पर इसकी समझ पर तो पत्थर पड़ गए, इसके पापा अस्पताल में कोमा में पड़े हैं और इसे उस चालबाज लड़के की फिकर हो रही है। मधु जी बस, बेटी है मेरी, आप उसके लिए इस तरह के शब्द ना इस्तेमाल करें तो ही अच्छा होगा। अरे और पापा जी की फिकर मुझे भी है मौसी, पर आपको तो फुर्सत ही कहाँ है हैप्पी के बारे में भला बुरा बोलने से। ना मन मार के उसने आरवी से शादी की, जिससे आपकी गालियां जिल्लत उसको बर्दाश्त ना करनी पड़े। आप जीत गई मौसी, हम सब हार गए, पर आप जीत गई। हमारी खुशियों की चिता से आप जीत के दिए जलाओ। की बहुत चोट लग गई ना तुझे, तूने दवाई लगाई खुद को। हैप्पी तू होती तो चोट पे दवाई लगा देती मेरी। रॉकी मैं नहीं हूं ना वहां तेरा ख्याल रखने के लिए, तो
तो अभी तुझे अपना ख्याल खुद रखना पड़ेगा, समझा? आरवी से तो मैं तुझे हमेशा के लिए बचा लूंगी, पर अपना ख्याल रखने की आदत तुझे डालनी पड़ेगी, समझा? अब तू नहीं है अभी, तो खुद ही करना पड़ेगा ये सब। सर, डॉक्टर को बुला दूं क्या? क्या? डॉक्टर? नहीं, थैंक्स, मैं ठीक हूँ। सर, एक्चुअली मुझे एक कॉल आया था, वो हमारे होटल में इवेंट करवाना चाहते हैं। सॉरी, लास्ट मिनट में बोल रही हूँ, पर वो चाहते हैं कि आप उन्हें आज रात डिनर पे ज्वाइन करें, डिटेल में डिस्कस करने के लिए। सर, थोड़ा जरूरी है, हैप्पी मैम भी नहीं है ना, तो काम पे ही फोकस करना पड़ेगा, और तो कुछ बचा नहीं है यहाँ पे, मतलब हैप्पी नहीं है तो काम तो करना ही पड़ेगा ना। सर, कुछ जरूरत होगी तो बताइएगा। टेक केयर। थैंक्स। तुझे जब मैं उस आरवी के साथ देखता था तो मुझे चिढ़ मचती थी, और अब तो उसके साथ उसके घर पे है। तुझे आइडिया भी नहीं है अभी मैं कैसे बर्दाश्त कर रहा हूं ये सब। वेलकम मैम। हैप्पी, जहां तुम जाती हो ना, वहां की सारी लाइट्स बंद कर देनी चाहिए। तुम क्यों इतना करती हो? कोई इतना सुंदर कैसे हो सकता है? तो इस सुंदर सी लड़की के लिए एक छोटा सा सुंदर सा सरप्राइज मेरी तरफ से। कम हैप्पी को कंफर्टेबल फील कराना जरूरी है। तुम्हें थोड़ा टाइम चाहिए ना हैप्पी। मेरा सारा टाइम तुम्हारे लिए ही तो है। कल रात जैसी गलती मैं दोबारा नहीं कर सकता। हैप्पी, तुम्हारे जितना सुंदर तो नहीं है, पर जगह ठीक है ना? मैंने स्पेशली तुम्हारे फेवरेट फ्लावर्स मंगवाए और शेफ को बोलकर तुम्हारे लिए स्पेशल डिश भी बनाई है तुम्हारे स्टाइल में। मैम, ये आपके लिए। वेलकम सर। Come, baby.
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।